जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का किया गया शुभारंभ। नवरात्रि के पावन पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश भर में नारी सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज शुक्रवार को अभियान के सातवें दिन प्रदेश भर के साथ ही संबल जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का फीता काटकर उद्घाटन किया गया, जिनमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही एसपी संबल यमुना प्रसाद ने जिले के सभी थानों में फीता काटकर महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। इस दौरान एसपी संबल यमुना प्रसाद ने कार्यक्रम में सम्मिलित हुई महिलाओं व बालिकाओं को नारी शक्ति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएं अपने अधिकारों को पहचाने और वह खुलकर अपनी बात को रखें। जी, रुस्तमपुर नाम गांव घनसोली है। मेरे साथ में एक आदमी ने बदतमीजी करी थी, उसका समाधान ऐसा अब हो रहा है। यहाँ महिला हेल्प डेस्क खुलने से क्या आपकी समस्या का समाधान हुआ? महिला हेल्प डेस्क में आपकी क्या सहायता की गई? मैं लड़के का केस हो गया था ना जी, तो हमारी तो बहुत सहायता हुई थी यहाँ पर, सब काम सही हुआ था और वो लड़का जेल में है। क्योंकि हमारे देश में महिलाओं व पुरुषों के लिए समान अधिकार है, साथ ही महिलाओं को बताया गया कि परेशानी के समय महिलाएं बिना घबराए महिला हेल्पलाइन नंबर व 112 पर कॉल करके अपनी समस्याएं बता सकती हैं। साथ ही अब सभी पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क खोल दिए गए हैं, जहां वे आकर अपनी समस्या बता सकती, क्योंकि महिला हेल्प डेस्क में महिलाओं की समस्याओं के लिए महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी। महिला हेल्प डेस्क खुलने से महिलाओं को क्या सहायता मिलेगी? शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क खुला है। हमारा थाना नकासा में भी विधिवत महिला हेल्प डेस्क का आज लोकार्पण हुआ है, और इसमें प्राथमिकता के आधार पर और ज़्यादा अधिक प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं की समस्याओं का निदान किया जाए। मंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। इसी क्रम में जनपद संभल में भी हमारे 12 थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है, जिसमें पुलिस पर्सनल और जन सहभागिता के द्वारा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को सम्मिलित होकर के इसका उद्घाटन किया गया है। समाज में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जितनी भी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चियां हैं, वो सभी की सुरक्षा और उनका सम्मान बनाए और बढ़ाए रखने के लिए यह हेल्प डेस्क कारगर साबित होगा, और इसी के माध्यम से समाज में ये मैसेज जाएगा कि नारी सम्मान हमारे लिए कितनी प्राथमिकता का।